ऑल राइट, सो आपके बिग बॉय या फिर आसान भाषा में कहे ना तो छोटा छतरी की हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको इचिंग, बुरी स्मेल, स्वेट, फंगस, इन्फेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स ना इजीली हो सकती है। और आज की ये वीडियो ना आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको 5 हाइजीन टिप्स देने वाला है अपने बिग बॉय की केयर के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ मेरे भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पे आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1, माइक्रो मॉडल अंडरवेयर। नॉर्मली कॉटन की जो अंडरवेयर आती है ना उससे 100 टाइम्स ज्यादा कंफर्टेबल होती है ये माइक्रो मॉडल अंडरवेयर। ये इतनी लाइट वेट होती है और इसका जो फैब्रिक है वो इतना सॉफ्ट होता है ना कि आपको लगता है आपने कुछ पहना ही नहीं है। और ये जो माइक्रो मॉडल फैब्रिक होता है ना, ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा ब्रीथेबल होता है, मतलब कि ये आपकी इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करता है। और ये जो बार बार हम अंडरवेयर एडजस्ट करते हैं ना, आपको वो प्रॉब्लम सारी फेस नहीं करनी पड़ेगी इस अंडरवेयर के साथ। टिप नंबर 2, स्टार्ट यूजिंग इंटीमेट वॉश। देखो, आपका जो बिग बॉय है ना, वो चाहे जितना मर्जी खतरनाक हो बेड में, लेकिन वो सेंसिटिव है यार। उसको साबुन से या फिर शावर जेल से साफ करना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको उससे साफ नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो आपके बिग बॉय के पीएच लेवल को मेंटेन करे, और ये जो बुरी सी स्मेल आती है ना उसे दूर करे। इसके अलावा जो इचिंग का प्रॉब्लम है, जो खुजली आती है ना उसे दूर करे। और सबसे मेन चीज, सोप फ्री हो और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि मुस्टेक मैंस इंटीमेट वॉश। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी स्मेल कंडीशंस को मेंटेन करता है। यार ये जो नॉर्मल साबुन आता है ना, उसका जो पीएच लेवल होता है ना वो 7 से 9 के बीच में होता है, और हमारा जो बिग बॉय है ना उसको पीएच लेवल 4 के अराउंड चाहिए। तो मुस्टेक का जो इंटीमेट वॉश है ना मेंस के लिए, ये बेसिकली क्या करता है, उस पीएच लेवल को मेंटेन करता है। इसमें टी ट्री ऑयल, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा है, और इन तीनों के होने की वजह से ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। इसी वजह से ये आपको इची स्किन, इन्फ्लेम्ड स्किन की प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। और इन सब के अलावा ये साथ में काइंड ऑफ स्किन व्हाइटनिंग का काम भी करेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये SLS, पैराबेन, हार्मफुल केमिकल से फ्री है, और ये हर एक स्किन टाइप के लिए है। इसे यूज करना ट्रस्ट मी बहुत इजी है। आपको कुछ पंप्स लेनी है, उसके बाद अपने प्राइवेट एरिया पे इसे अप्लाई करना है, और सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार रात को आपको ये यूज करना है बेस्टेस्ट रिजल्ट के लिए। इसे परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे आपको मुस्टेक का कस्टमर केयर का नंबर भी दिख रहा होगा, वहां पे जाके आप इनके प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, तो वहां पे जाके आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। टिप नंबर 3, अपने बॉल्स के हेयर को भी आपको रिमूव करना है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट पार्ट के बाल तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो बॉल्स के बाल है ना उन्हें प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाते, थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं, और उससे क्या होता है, आपको खुजली आती है, आपके वहां से बहुत ही बुरी बदबू आती है। तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्लियरली अपने बॉल्स को भी शेव करो या फिर ट्रिम करो। देखो, ट्रिम का मैं आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि बॉल की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर आपने ट्रिमर लगाया तो भाई तो मैं पर्सनली रेजर और ट्रिमर दोनों ही यूज करता हूं। जो मेरे बॉल्स का पार्ट है ना उसके लिए मैं शेव का यूज करता हूं, मैं उसके लिए रेजर का यूज करता हूं, और जो बाकी का पोर्शन है उसके लिए मैं ट्रिमर का यूज करता हूं। बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी जो बॉल की स्किन है उसको टाइट पकड़ना है, और उसके ऊपर हल्के हाथों से शेव करना है। देखो, ध्यान से करना, क्योंकि ये अगर यहाँ पे कुछ भी घटना हो गई ना तो बहुत दुखद घटना हो जाएगी। टिप नंबर 4, 61-62 के बाद इसे वॉश जरूर कीजिए। देखो, रात का वक्त है, आपका मन हो गया, आपने कर लिया 61-62। इसके बाद यहाँ पे ना 3 टाइप के लोग आते हैं। सबसे पहले वो जो क्या करते हैं, जो बाकी का जो रायता फैला है ना उसे साफ कर देंगे, लेकिन बाकी कुछ साफ नहीं करते और सो जाते हैं। दूसरे लोग वो आते हैं जो उठ के सब कुछ अच्छे से साफ करके सोते हैं, और तीसरे लोग आते हैं अल्ट्रा प्रो लेजेंड्स, जो क्या करते हैं भाई साहब, ऐसे ही सो जाते हैं। तो अगर आप पहली और तीसरी कैटेगरी में आते हो ना, तो डूड, आप बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को खुला इनविटेशन दे रहे हो। तो जब भी आप 61-62 करो ना, उसके बाद अपने बिग बॉय को अच्छे से क्लीन करो, अपनी फोरस्किन को पीछे लो, अच्छे से उसके ऊपर इंटीमेट वॉश अप्लाई करो, उसे क्लियरली साफ करो। टिप नंबर 5, अप्लाई मॉइस्चराइजर। जैसे आपके हाथों को, आपके चेहरे को, आपके पैर को मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, सेम ऐसे ही आपके जो बॉल्स है ना उन्हें भी मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक कैच है यहाँ पे, कि अगर आपको इन 3 स्किन प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब की ड्राई स्किन, इची स्किन या फ्लेकी स्किन, तो ही आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। इट मीन्स तो ही आपकी बॉल्स को रिक्वायरमेंट है मॉइस्चराइजर की। अगर आप ये स्टेप स्किप भी कर दोगे ना, अगर ये तीनों प्रॉब्लम नहीं है तो भी चलेगा, बट इन तीनों में से अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम भी है ना, तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉइस्चराइजर ऐसा हो जिसके अंदर कोई केमिकल्स ना हो, वरना
फिर से ये एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने सारे दोस्तों में से दबा के शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।